हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोविंग सुमित। और आज हम आपको लेके चलने वाले अर्नाला बीच। अगर आपको यहाँ पे आना है तो वेस्टर्न लाइन की लोकल से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अर्नाला जाने के लिए आपको यहाँ से वसई विरार महानगर पालिका की बसेस और थोड़ी दूर पे ऑटो स्टैंड है, वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा मिल सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी से जा सकते हैं। ये जो रोड है ये सीधा अर्नाला जाती है। इस रोड को आगाशी रोड बोलते हैं। अभी सिग्नल हो रखा है यहाँ पे, तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड जाते हैं सिग्नल से, तो ये नाला सुपारा लिंक रोड है, यहाँ से आप सीधा नाला सुपारा जा सकते हैं। और यहाँ से अर्नाला का डिस्टेंस बोर्ड पे दिखा रहा है 7 किलोमीटर। तो स्टेशन से अराउंड अर्नाला 8 to 9 किलोमीटर पड़ेगा आपको।
चुके हैं हम लोग ऑलिंस नाका, और यहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, अभी तो ट्रैफिक कम है। फिर यहाँ पे एक और बीच पड़ता है रजौड़ी बीच, और ये जो जगह है ये ओलांडा नाका है, यहाँ से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं तो आपको रजौड़ी बीच पड़ेगा, बट हमें अरनाला जाना है तो ये सीधा फॉलो करना है अरनाला के लिए। यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स भी है, मल्टी स्क्रीन सिनेमा थिएटर रॉक स्टार नोवा के नाम से, और ये जिसमें है उसका नाम है लड़ा प्लाजा। फ्रेंड अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अलासी गांव, और यहां पे थोड़ा ट्रैफिक है। थोड़ा सा मंदिर भी है यहाँ पे,
लासी का एक और चीज़ बहुत फेमस है, भुजिंग। लासी भुजिंग सेंटर है यहाँ पे, वो बहुत ही फेमस है भुजिंग के लिए। लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, दूर दूर से जो भी आते हैं यहाँ का भुजिंग ज़रूर ट्राई करते हैं। तो आप ही कभी आए तो ये भुजिंग ट्राई करें। भुजिंग एक डिश होता है जो पोहा और चिकन के पीसेस को मिक्स करके बनाते हैं।
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अरनाला गांव, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी फिश मार्केट है, और आगे चलते हैं देखते हैं और क्या क्या है अरनाला गांव में। यहाँ पे एक फोर्ट भी पड़ता है अरनाला फोर्ट, तो आप उधर भी विजिट कर सकते हैं। और एक चर्च भी है यहाँ पे। फ्रेंड्स लगभग ये हम लोग बीच पे पहुंच चुके हैं, और ये जो रोड राइट साइड में गई है कनेक्टिंग रोड है, ये बीच पे जाएगी सीधे। बस ये रोड थोड़ी सी खराब हो रखी है। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं अरनाला बीच, और बाइक से ही एक राउंड लगा के देखते हैं बीच का। यहाँ नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो आप तो देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है, तो बाइक से ही एक राउंड लगाते हैं। तो ये बढ़िया है, बट यहाँ पे थोड़ी गंदगी ज़्यादा है, तो एक रिक्वेस्ट है जो लोग भी यहाँ पे घूमने आते हैं थोड़ा क्लीन रखने का कोशिश करें, थोड़ा बीच पे गंदगी कम फैलाएं। ये आपको ही आना है, दोबारा भी आपको ही आना है यहाँ पे, तो आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा अगर गंदगी ऐसे ही बढ़ती जाएगी तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, बीच पे गंदगी कम करें।
तो आप देख सकते हैं बीच कैसा दिखने में लगता है यहाँ पे। यहाँ पे फिशेस का काम ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मच्छी सुखाते हुए, झींगा और ये सब जगह जगह लोग सुखाते हैं जो यहाँ के मछुआरे हैं। यहाँ से आपको मच्छी बहुत अच्छी मिल जा सकती है, तो आप यहाँ आए तो यहाँ से मच्छी भी लेके जा सकते हैं। स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, एक अरेबियन सी व्यू करके और एक सी एंड सैंड करके, तो आप इवनिंग टाइम में यहाँ पे स्नैक्स के लिए और रात में डिनर और लंच भी आप यहाँ पे दोपहर का अपना कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे सी दिखता है। खुला नहीं गया अभी। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग अर्नाला बीच का। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।